हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह ब्रिटिश आर्मी दे विच बहुत बड़ा अफसर ही आई, बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता आई ते हाफिज़ कुरान ही हन। ये नंग धड़ंग हालात यानी डेरे दे विच रहंदा है। उस आखे अपनी रकबे दे विच जितना काना पूरा करो होवे उस जा दे उत्ते कोठी दे विच मैं को दफन करे। एक बार ये सारी छोटी नहर जी पाड़पुर लिफ्ट कनाल है इंदी शहदाद अली पुल के उत्ते बैठे हैं तो एक अंग्रेज जोड़ा आ गया। एक दीवार ए उतु गुजरते पैन तो एक औरत रामत बीबी आई जड़े ना वो पावली खानदान ना ताला कर के दी आई। उन्नीस सौ चौंतीस वाला एक कबर कुशाई की गई। करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। ऐन अकीदत चैनल के साथ मैं हूँ आपका अपना जावेद बलोच। अकीदतों का सफ़र जारी है और इस वक्त हम पहुँचे हैं दरबार आलिया पीर हसन शाह शिराज़ी अलैह रहमा के दरबार में। पीर हसन शाह शिराज़ी अलैह रहमा कौन थे, उनकी क्या करामात हैं और ये दरबार कहाँ पर वाक़ है, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल बताएँगे। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है जो कि यहाँ पे हाज़िरी देने आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं और इस बुज़ुर्ग के तुफैल उनकी ये मुरादें पूरी भी हो जाती हैं। तो ये सिलसिला कहाँ से चला था, इस बुज़ुर्ग की क्या करामात हैं और ये कहाँ से आए थे, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएँगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इस वीडियो से मुतालिक आपका कोई भी सवाल बनता हो तो अपने कमेंट्स में लाजमी बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली मरतबा आए हैं तो उसको फॉलो और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पीर शाह हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार मुबारक है दरबार दे मुतवली नज़ाकत हुसैन पप्पू इन्हां दे वालिद शेर जमाना इन्हों वालद हुसैन बश सियाल ये अबाव अजदाद कणी के मुतवली असल जै दरबार नाल कोहली इमाम हुसैन है ये मालिक असल सैयदपुरी बादशाह पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतलक जी सबू जबानी रिवायात मिली है। पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह असल कैमलपुर अटक रावण वाले हैं, बहुत ज्यादा हाई एजुकेटेड आदमी है। आर्मी दे विच ए आई तो आर्मी कण जले ए उतां इस दे विच विलायत दा जज्बा पैदा किया तो इस ओ छोड़ दी। तो ए सब तो पहले पहले 1910 दे लमसम डेरे दे विच आया। डेरे च आया तो ए मजूब हाल है यानी कपड़े ही नहीं पहनता, जड़ा एक ओलिया का फिरका आंदा है मलामती जो आखंद है यानी लोग साकन नफरत करे तो उस ताला रखेंदा है। तो ये नंग धड़ंग हालात यानी डेरे के बिच रहा है। तो डेरे वाला काफ़ी ले दे की थी इसको उतों कढ़ो ने तो ये एक डेर बैठा ही गली दे विच तो जोश ही आया तो इस अपनी रान के उत्ते हाथ मारा तो इन उत्ते मखमल का लिबास है, इन उत्ते मखमल का लिबास है तो इस डेरा छोड़ दिता। 1912 पाड़पुर आके इस डेरा ला दिता। तो पहले पहले हावे सरदार बख्श कण आया। हावे सरदार बख्श साढ़े पीटी हजरतुल्ला उस्ताद साहब मोहतरमाना के डाडे हैं, वह कण आके इस डेरा लाया, उसकी बहुत ज्यादा खिदमत की थी। हा दर्जा इंदी उस इंदी खिदमत की थी। इस दे काफ़ी करामात जड़े ना साकू जड़े बजुर्ग ओड़ी सहने हैं जड़े जैसे मशहूर है जो ये यानी इस टाइम ही सारे थल के उत्ते उबेर दरख्त मौजूद है मोली आले ते जैसी ये टेक ला के आके बहने हैं। उस दरख्त यानी तना खत्म थी गए सिर्फ मामूली जी है लेकिन उत्तु इस टाइम ही सरसब्ज है बड़े
ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹ ਫਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੇਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਣ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਹਿਰ ਪਾੜਪੁਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥਾਂ ਬਾਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਬਾਮ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਈ ਸਾਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਸੀਵੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਗਿੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਵੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਗਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਉਹ ਰੇਤ ਚਾ ਕੇ ਉਸ ਸੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਕੋ ਆਕਸ ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਹੈ ਖਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾ ਖਾਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਭਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰੀਨ ਆਈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਤ ਦਾ ਹੀ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਣ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਆ ਚੌਥੀ ਪੂਜਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ अच्छा ये दसाले जो इतना उस मुबारक दा या कोई मिलाद दा प्रोग्राम या किवें इतना या मिलाद शरीफ होंदी है ते रबीउल अव्वल दे विच अच्छा या मिलाद शरीफ वाले महीने अच्छा बाकी दम दुरूद दा सिलसिला भी ता है या कोनी जी जी दम दुरूद ही करें अच्छा बुजुर्ग करें बाबा ही करें अच्छा उस कण इलावा सारे एक पाड़पुर दे विच गुलाम सदीक निराली उस दे घर च काफी मकोड़े हन तो उस पीर को आका पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह को जो मैं कुए जड़े मकोड़े बड़े तंग करें दिनों घर गिन गया तो पीर को आका चिंता न कर पीर उनके घर वाला ते वापस आया तो मकोड़ा उनके पिछू लकीर बना के यानी जंगल तक ले गए थे पीर हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इमे आम वली नहीं गुजरे शिराजी सैयदान और वाकिया जिंदा वली हैं और इन्होंने अपने दौर दे विच बड़े जब जिंदा करामात दिखाई हैं जब इन्हों को कब्बर चु कड़ा गए और देर एक छड़ी वाला मौजा आए उस कमो बेश 95-96 आदमी इन्हें मुसलमान किया पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह ब्रिटिश आर्मी दे विच बहुत बड़ा अफसर आई बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता आई तो हाफिज़ कुरान ही हैं ये काफ़ी टाइम महला सुल्तानिया मौजूदा इन दे विच गुजरे ने टाइम हाफिज सरदार बाश खान तो कुछ एक दीवार ए उतो गुजरते पैन तो एक औरत रहमत बीबी आई जड़े ने ओ पावली खानदान ना ताला करके दी आई तो ओ कुरान पाक दा एक लफ्ज गलत पढ़ा तो इस उ उंदी तौसीह की तो वत उकर गलत दिया तो इस उ थप मारी थप दे नाल बुखार थी गया तो इतना शदीद जो इंतकाल कर गई तो ओ वापस आया तो फिर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह को आखा जो मैं जो तक आदम ठीक पढ़ लगी गई यानी इनकी काफ़ी करामात मशहूर इन एक दीवार ये सारी छोटी नहर जी पाड़पुर लिफ्ट कनाल है इनकी शहदाद वाली पुल के उत्ते बैठे हैं तो एक अंग्रेज जोड़ा आ गया तो उन्होंने इन गुफ्तगू की थी तो इस अंग्रेजी चुना को अपना काफ़ी तारफ कराया तो पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह 1930 फौत है तो हावे सरदार बाशकी को महला सुल्तानिया जड़े ना मस्जिद अब्दुल हक जड़े उस दे पुत्र ने सरदार बाश दे पुत्रन मौली अब्दुल हक साहब उन्हें भी दफन किया ता सेवन शरीफ कन काफ़ी मलंग उता के जड़े ना वो अपना नादा ये करेने हैं अपने जड़े उन्होंने सिलसिला यो करेने हैं तो मस्जिद का तकद्दस जड़े ना नहीं रहता ता पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब दे विच सारे दोस्त सैयद मुरीद अब्बास शाह बुखारी दे डारे रोशन शाह को ख्वाब दे विच मिला तो मैं को इत्थों काढ़ के ते बई जाते दफन कर ता पीर हसन शाह पीर रोशन शाह सवाल किया पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह ते मैं ते को किता दफन करा उस आखे अपनी रकबे दे विच जितना काना पूरा करो वे उस जहा के उत्ते कोटिल मैं को दफन करें वह सवेरे आया तो इस जहा के उत्ते जिते पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह इस टाइम मौजूदा दफन था आयान तो वह काना पूरा खड़ाई तो पीर रोशन शाह उस महले गया आवे सरदार बश को आखो मैं को पीर साहब ख्वाब मिले तो इवें आखस तो उस आखे नहीं मैं तो कोई ना कढ़ देंदा मैं को तो दफन ना थी वेंदा तो आवे सरदार बश को रोशन शाह आका भी अगर मैं तक निशानी देवा तो वत मैं को कढ़ देसे उस आखे बिल्कुल तो वह उस को दसा भी उस मैं को ख्वाब दे विच मिले तो उस दे डू
अखियां दे इत्था ही कान जाई एक इत्था आसमून दे रूहन आया हैं ते फुल तरो ताज़ा हैं ते उन्दी सफेद दाढ़ी आई ते ए यानी उन्दी सब तो बड़ी निशानी उन जड़े ने रूह आसमानी रसी ता ओ 1934 दे बीच वाला एक कबर कुशाई कीती गई ता पाटपुर दे जड़े बुजुर्गन काफ़ी लोग ता पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल तरो ताज़ा उन्दे उत्ते गुलाब दे फुल भी उए पाए हैं रूह आंसू भी उए हैं कफन ही उन्दा उए आई उन्दे बाद आके पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह को मौजूदा इस दे उत्ते अपने रकबे दे विच रोशन शाह पीर रोशन शाह रहमतुल्लाह अलैह आके इत्था दफन किया उन्दे बाद ए पीर सदै शाह रहमतुल्लाह अलैह सैयद रिदबा शाह दे वालदन ओ इदे यानी वारस थे उन्दे बाद मौजूदा वारिस इस सारे पीर हसन शाह दे भी ते नाल नाल साडी कोटली इमाम हुसैन उन्दे भी ए सारे मलकियत रकबा ते सैयद मुरीदाबाद शाह दे वक्फे ते मुतवली शेर जमान जेड़े पीर की खिदमत करें दे इन पीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी करामात मशहूर हैं लोगों ने नस्ल दर नस्ल रिवायत चलती पे हैं पत इंशाल्लाह अगले इस दे विच तुहानू नैक्सट इंदी करामात का जिक्र करीसू उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा अकीदतों का ये सफ़र जारी और सारी है और इंशाल्लाह नए दरबार आलिया के साथ इंशाल्लाह नई जगह पे फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.